आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लूप्स को। हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 3 में, लूप्स क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। और हम लोग लूप्स सारे प्रकार के जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे। फॉर लूप किस तरह से काम करता है, व्हाइल लूप किस तरह से काम करता है, डू व्हाइल किस तरह से करता है, फॉर ऑफ किस तरह से करता है, फॉर इन किस तरह से करता है, इस सारे लूप्स को देखा जाएगा इस चैप्टर के अंदर। और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। लेकिन ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है फॉर लूप्स के लिए। हम लोग देखेंगे फॉर लूप किस तरह से काम करता है, फॉर इन लूप क्या होता है, फॉर ऑफ लूप क्या होता है, क्या डिफरेंस है इसमें और कब कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम लोग चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, जहाँ पर हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे लूप्स के बेसिक्स से और उसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर लूप, फॉर ऑफ लूप और फॉर इन लूप। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि लूप्स के लिए डेडिकेटेड है। हम लोग देखेंगे कि लूप्स किस तरह से काम करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। और लूप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट की जब बात आती है, फिर प्रोग्रामिंग की जब बात आती है, लूप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब लूप्स क्या होते हैं मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अगर मान लीजिए आप लोग को मैं बोलूँ कि 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करो, तो शायद आप लोग कंसोल डॉट लॉग लगा कर 10 तक प्रिंट कर दोगे। अगर मैं इसी 10 को 20 कर दूँ, तो शायद आप लोग थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट और थोड़े बहुत कीबोर्ड कीज़ टाइप करके 20 तक भी मुझे नंबर्स प्रिंट करके दे दोगे। कंसोल डॉट 1, कंसोल डॉट लॉग 2, कंसोल डॉट लॉग 3 एंड सो ऑन अप टिल 20, और आपका काम हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर मैंने इसी 20 को 20,000 बना दिया, मैंने कह दिया कि यार मुझे 1 से 20,000 तक नंबर्स प्रिंट करके दो, तब शायद आप लोग थोड़े से डर जाओ, सहम जाओ, शायद आप लोग के मुंह से गाना निकलने लगे तो कुल मिला के बात यह है कि लूप्स ये चीज़ ऑटोमेट करने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं ये हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग नोट्स पे देखो, वी यूज़ लूप्स टू परफॉर्म रिपीटेड एक्शंस। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डिज़ाइंड असाइंड, सॉरी नॉट डिज़ाइन, इफ़ यू आर असाइंड, कि एक्चुअली पी लग गया तो डिज़ाइन दिख रहा है। इफ़ यू आर असाइंड अ टास्क ऑफ प्रिंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, इट विल बी वेरी हेक्टिक फॉर यू टू डू मैनुअली। हो तो जाएगा लेकिन बहुत हेक्टिक होगा। 20 मिलियन तक दे दूँ शायद होगा भी नहीं आपसे, ठीक है, लेकिन लूप्स के थ्रू हो जाएगा। लूप्स हेल्प अस ऑटोमेट दिस टास्क। और हम लोग देखेंगे लूप्स जावास्क्रिप्ट में किस किस तरह के होते हैं। तो जो बेसिक फॉर लूप होता है वो बहुत पुराना है, और वो आप लोग को सिंपली एक कंडीशन के आधार पर बार बार रिपीटेड ऑपरेशंस करने में मदद करता है। फिर इसके बाद फॉर इन लूप होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट की कीज़ को लूप इन करता है। और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट की अगर आप लोग को वैल्यूज़ के थ्रू लूप करना है तो फॉर ऑफ लूप होता है, और एक व्हाइल लूप भी होता है हमारे पास, और एक डू व्हाइल लूप भी होता है। अब ये सारे लूप किस तरह से काम करते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रैबल में आ जाऊँगा और आप लोग को फॉर लूप दिखाऊँगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फॉर और एंटर मारूँ, मान लो मैं लिखूँ फॉर लेट i इज इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर लेट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 34 और i प्लस प्लस, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग i, ठीक है। अब मैं इस कोड को अगर रन करूँगा ना, तब पता है क्या होगा, मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देखो 0 से लेकर 33 तक प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? अगर मैं यहाँ पर मान लो 5 लिखता हूँ तब क्या आउटपुट आएगा? तब आप लोग यहाँ पर देखना कि 0 से लेके 4 तक आउटपुट आएगा। क्या हुआ ये, चल क्यों नहीं रहा है? चल गया, ठीक है, 0 से लेके 4 तक आउटपुट आ गया, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर मैं आप लोग से बात करूँ तो ये किस तरह से काम कर रहा है ये आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर आप लोगों ने इस लूप को लिखा तो सबसे पहले क्या होगा, जो चीज़ अभी मैंने हाईलाइट कर रखी है ये स्टेटमेंट 1 है, ठीक है। इसके बाद ये स्टेटमेंट 2 है, इसके बाद ये स्टेटमेंट 3 है। तो होता क्या है, जो स्टेटमेंट 1 होता है फॉर लूप के अंदर वो एक बार एग्जीक्यूट होता है, लूप स्टार्ट होने से जस्ट पहले एक बार एग्जीक्यूट होगा। तो i की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, लूप बॉडी चलेगी एक बार, लेकिन लूप बॉडी सिर्फ तब चलेगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो ये इनिशियलाइजिंग स्टेटमेंट होता है, ये इनिशियलाइज किया हमने, ठीक है, लूप को। इसके बाद i लेस देन 5 यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये कंडीशन चेक होगी कि i क्या लेस देन 5 है, क्या 0 5 से छोटा है। इट्स ट्रू, हाँ 0 5 से छोटा है, ठीक है। तो क्योंकि 0 5 से छोटा है इसलिए लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी और 0 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये एक आइट्रेशन हो गई लूप की। एक आइट्रेशन जैसे ही लूप की ख़त्म होगी तो ये स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, एक आइट्रेशन के बाद i प्लस प्लस, यानी कि अब i की वैल्यू 1 होगी, 0 थी अब 1 हो गई। फिर क्या होगा, ये कंडीशन दोबारा चेक होगी, क्या 1 लेस देन 5 है, यस।
तो ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ये पूरी लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉक वन यानी कि वन प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। दोबारा से ये चीज़ रन होगी आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू टू हो जाएगी, कंडीशन दोबारा ट्रू होगी और लूप बॉडी दोबारा एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पर लूप बॉडी में सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड है, लेकिन एक से ज़्यादा लाइन ऑफ कोड भी हो सकता था, तो यहाँ पर टू प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू थ्री हो जाएगी, थ्री भी प्रिंट हो जाएगा, फिर फोर हो जाएगी, फोर भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब फोर प्रिंट होगा तो आई प्लस प्लस के बाद आई की वैल्यू पाँच हो जाएगी और फाइव लेस देन फाइव फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स होते ही लूप ख़त्म हो जाएगा और लूप स्टॉप हो जाएगा, यानी कि यह जीरो से लेकर चार तक प्रिंट करेगा। अब आ जाओ यहाँ पर और फॉर लूप को समझाता हूँ। सिंटेक्स ऑफ अ फॉर लूप लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। फॉर स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री। अब स्टेटमेंट वन सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है, जैसे कि अभी आपको बताया मैंने। स्टेटमेंट टू एक कंडीशन है जो कि चेक की जाती है लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करने से पहले, ठीक है। स्टेटमेंट थ्री एग्जीक्यूट होता है हर बार जब लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है। तो क्या होगा, सबसे पहले स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा सिर्फ एक बार, एक फॉर लूप के लिए एक बार, फिर स्टेटमेंट टू चेक किया जाएगा। अगर स्टेटमेंट टू जो है वो ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट किया जाएगा यहाँ पर लूप बॉडी के अंदर, और उसके बाद स्टेटमेंट थ्री को रन कर दिया जाएगा। फिर स्टेटमेंट टू चेक किया जाएगा, लूप बॉडी एग्जीक्यूट की जाएगी, स्टेटमेंट थ्री को रन किया जाएगा, फिर स्टेटमेंट टू को चेक किया जाएगा, लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी अगर स्टेटमेंट टू ट्रू है, और स्टेटमेंट थ्री को रन किया जाएगा, फिर स्टेटमेंट टू को चेक किया जाएगा, एंड सॉरी चलता रहेगा। जैसे ही स्टेटमेंट टू फॉल्स हो गया, लूप जो है लूप का एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगा, ठीक है। लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा जैसे ही स्टेटमेंट टू फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक से सिंटैक्स है फॉर लूप का, ठीक है। फॉर लूप को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, मैं आप लोग को बताता हूँ कि फॉर लूप को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पर एक से लेके सौ तक मुझे प्रिंट करना है, मान लो 500 तक प्रिंट करना है। कंसोल डॉट लॉग अगर मैं एक एक करके करता तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता, बट यहाँ पर देखो 499 तक मैंने प्रिंट किया। तो क्या मैं 1 से लेके 500 तक प्रिंट कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आई प्लस 1 लिख दूंगा। तो 0 से 500 की जगह क्या होगा, 0 से 500 की जगह 0 से 499 की जगह 1 से 500 तक प्रिंट हो जाएगा, देख ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, वैसे तो मैं रट्टा लगवाता नहीं हूँ बिल्कुल भी, और आप लोग को बड़ी अजीब सी बात लगेगी अगर मैं ये बात बोलूँगा आपसे, लेकिन इस बात को आप समझना। कभी भी फॉर लूप आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो आप लोग ऐसा समझ लो कि अगर यहाँ पर आई इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है और आई लेस देन कोई नंबर लिखा हुआ है, तो 0 से लेके एन माइनस वन, अगर ये नंबर एन है तो 0 से लेके एन माइनस वन प्रिंट होता है। याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि आप बार बार दिमाग में ऐसे कंडीशन चला चला कर नहीं देखोगे, ठीक है। एक तरह से इस बात को याद कर लो कि यार आई इज इक्वल टू 0 से अगर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, से एन, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100, 200, 400, 500, 1000, 5000, तो 0 से लेकर एन माइनस वन तक प्रिंट होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे नंबर्स प्रिंट करने हैं तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे नंबर्स को सम करना है, मान लो मुझे नंबर्स को सम करना है, मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट सम इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। मैं यहाँ पर इस कोड को थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज बना देता हूँ, प्रोग्राम टू ऐड फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सा यूज़ केस है, ठीक है। प्रोग्राम टू ऐड फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सम इज इक्वल टू 0 मैंने लिखा, अब मैं क्या करूँगा, आई इज इक्वल टू ये और यहाँ पर मैं एन लिख दूंगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट एन इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखूँगा, प्रोसेस नहीं प्रॉम्प्ट लिखूँगा। आ जा भाई सजेशन, बहुत बुरी हो सजेशन तो माई नहीं, और मैं यहाँ पर लिखूँगा एंटर द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। और ये करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली इसको कन्वर्ट करूँगा, एन इज इक्वल टू लिखूँगा नंबर डॉट पार्सेंट, ताकि ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, और एन लिख दूँगा, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को अभी रन करूँ, इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ, अगर मैं इसको रन करूँ प्रोग्राम को, और इसको भी क्लियर कर रहा हूँ मैं, एंटर द वैल्यू ऑफ एन, मान लो मैं 12 लिखता हूँ तो 1 से लेकर 12 तक प्रिंट कर रहा है, बट मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सम प्लस इक्वल्स टू आई, ठीक है। मुझे सम करना है और कंसोल डॉट लॉग लिखना है, और मुझे लिखना है सम ऑफ फर्स्ट, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्लस एन, और फिर लिख दूंगा नेचुरल नंबर्स इज, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा प्लस सम लिख दूंगा इस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मान लो मैंने 3 प्रिंट किया तो 6 आना चाहिए, ठीक है। ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ओके तो मुझे आई प्लस 1 करना होगा, क्योंकि मुझे, या तो मैं आई को 1 से स्टार्ट करूँ या आई प्लस 1 करूँ, क्योंकि मुझे
वन से लेकर जो है स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, तो अगर मैं इसको अभी रन करूँगा तो छः आएगा, अगर मैं यहाँ पर तीन लिखूँगा तो वन प्लस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स होता है, ठीक है। फोर लिखूँगा तो दस आएगा, ठीक है, जस्ट चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो दस आएगा। तो यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, सबसे पहले तो सबकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, फिर ये मुझसे पूछेगा कि एन की वैल्यू क्या है। मैंने इसको एन की वैल्यू बता दी, ठीक है, मैंने एन की वैल्यू फोर बता दी मान लो, ठीक है। तब क्या होगा कि यहाँ पर ये लूप तो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, जब आई की वैल्यू ज़ीरो है तो वन होगा, फिर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अप टिल एन हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सम ऑफ फोर नेचुरल नंबर्स इज टेन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊँ, ठीक है, तो आप देखो कुछ इस तरह से मैं आपको इसको दिखा भी सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आई प्लस वन प्लस, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो मैंने फोर लिखा तो यहाँ पर बता रहा है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर जो है ये क्या हो रहा है, ये सारे ऐड कर रहे हैं तो दस आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। तो फॉर लूप कुछ इस तरह से काम करता है, आई होप समझ गए आप लोग फॉर लूप कैसे काम करता है। एक प्रैक्टिस दी हुई है मैंने क्विक क्विज नाम से, कि एक सैम्पल फॉर लूप आप लोग लिखो अपनी चॉइस का और उसको चलाओ, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोग को लिख के दिखाया फॉर लूप, आप लोग जो है उसको एक सैम्पल फॉर लूप को लिखकर एक प्रोग्राम लिखो, जैसे कि आप लोग फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम लिख सकते हो। फैक्टोरियल क्या होता है, अगर मैं एन फैक्टोरियल की बात करूँ तो वन से लेकर एन तक मल्टीप्लाई करना है, प्लस की जगह सेम प्रोग्राम चलेगा, तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम लिख सकते हो आप लोग। और आप लोग कुछ ऐसा भी कर सकते हो कि एक नंबर से लेकर दूसरे नंबर तक आप लोग प्रिंट करा सकते हो, तो वो काम भी आप कर सकते हो, वो भी ईजी है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग इसको कर पाओगे, चैप्टर थ्री की पहली क्विक क्विज़ को, ठीक है, एक सैम्पल प्रोग्राम लिखना फॉर लूप में। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग रैपलेट के कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में नहीं, रैपलेट के कमेंट सेक्शन में ये कोड मुझे लिख कर दो, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है और मुझे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा आपके प्रोग्राम से देखकर, अगर आप लोग प्रोग्राम्स लिखोगे कि यार आप लोग एक्चुअल में प्रैक्टिस कर रहे हो, जो चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को आप प्रैक्टिकली समझ रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेन लूप की। फॉरेन लूप, फॉर लूप एक आधुनिक फॉर लूप है, मैं कुछ ऐसे कह सकता हूँ, ठीक है, फॉर लूप का एक वेरिएंट ही है, एक आधुनिक फॉर लूप है। इसमें सिंपली क्या होता है ना कि मान लो आपको एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो भी मैंने अभी लिखा है उसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि कुछ इस तरह से मैं लेट ओबीजे इज इक्वल टू, मान लो मार्क्स है, ठीक है, हैरी के मार्क्स हैं 90 और शुभ के मार्क्स हैं 45, शिविका के मार्क्स हैं 56, रीतिका के मार्क्स हैं 57 और शिव के मार्क्स हैं 23। अच्छा बच्चा नहीं है शिव। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ फॉर लेट ए इन ओ बी जे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग ए करूँगा तब आप लोग देखना कि सिंपली यहाँ पर क्या होगा कि कीज़ प्रिंट हो जाएंगी, हैरी, शुभ, शिविका, रीतिका, शिव। तो मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि मार्क्स ऑफ, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से ए आर ओ बी जे डॉट ए, ओ बी जे ए सॉरी, और एक मिनट मैं इसको थोड़ा ठीक कर लूँ, और यहाँ पर फॉर्मेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग है, ये एक वेरिएबल है, फिर उसमें फिर स्ट्रिंग ऐड करी, फिर उसके बाद यहाँ पर स्पेसेस भी देनी होंगी, और ये मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट की इस की को एक्सेस करना चाहता हूँ, यानी कि अगर मुझे यहाँ पर 45 चाहिए तो मुझे यहाँ पर शुभ करना होगा इसको। तो आप देखो यहाँ पर ये सारी कीज प्रिंट की जा रही हैं इस ऑब्जेक्ट की। तो मैं इसको अगर रन करूँ अभी, तब आप लोग देखना मार्क्स ऑफ हैरी आर 90, मार्क्स ऑफ शुभ आर 45, मार्क्स ऑफ शिविका आर 56, मार्क्स ऑफ रीतिका आर 57। तो एक आधुनिक फॉर लूप कह लो, इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ कीज़ अगर हम लोगों को चाहिए तो, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि फॉर ऑफ लूप क्या होता है, ठीक है। तो देखो फॉर इन लूप की तरह फॉर ऑफ लूप जो है वो काम करता है। अब यहाँ पर एक नोट मैंने डाला हुआ है कि फॉरेन लूप्स ऑल्सो वर्क विद एरेज विच विल बी डिस्कस्ड इन द लेटर वीडियोज़। तो लेटर वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि फॉर इन लूप्स जो है वो किस तरह से एरेज के लिए काम करते हैं, ठीक है। एरेज अभी तक हमने देखा नहीं है, तो एरेज जब हम देखेंगे तो इस चीज़ का भी खुलासा किया जाएगा, ठीक है। फॉर ऑफ लूप क्या करता है, सिंपली आप लोग कुछ ऐसा समझ लो कि आप लोग को जो है वैल्यू दे देता है, ठीक है। तो अगर मैं इसी चीज़ को एग्जैक्टली सेम चीज़ को मैं फॉर ऑफ लूप से करूँ, ठीक है, तो आप देखना यहाँ पर क्या होगा।
अगर मैं मान लो बी ऑफ इस तरह से करूँ और यहाँ पर मैं बी लिखूँ तो क्या प्रिंट होगा आप लोग को मैं दिखाता हूँ। तो अगर मैं लेट बी ऑफ ओ बी जे करूँ, अभी कह रहा है ओ बी जे इज़ नॉट आइटरेबल, तो कुल मिलाकर ये मुझसे ये कह रहा है कि यार आपने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दिया है वो एक आइटरेबल नहीं है, तो ये एक आइटरेबल होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि ये कह रहे होना चाहिए एक स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैरी, अभी के लिए मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ फॉर बी ऑफ हैरी, ठीक है। वैसे ये चीज़ एरेज के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन मैं आप लोग को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ उसको स्ट्रिंग के लिए, जब हम एरेज पढ़ेंगे तो आपको एरेज के लिए भी मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर एच ए आर आर वाई एक करके प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फॉर ऑफ लूप है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है हमारा फॉर इन लूप, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को आइटरेबल होना बहुत ज़रूरी है फॉर ऑफ लूप के काम करने के लिए। अब अगर आप लोग यहाँ पर ऊपर आओ तो देखो मैंने लिखा हुआ है कि लूप थ्रू वैल्यूज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो वैल्यू है ऑब्जेक्ट की एक एक करके सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा अगर ऑब्जेक्ट आइटरेबल होगा तो। ऐसा मत समझ लेना इसको, कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि ये 90, 45, 56 ये प्रिंट कर देगा, नहीं ये प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग समझ गए कि फॉर इन लूप किस तरह से काम करता है, फॉर ऑफ लूप किस तरह से काम करता है। फॉर लूप के बारे में खुलासा करना चाहूँगा यहाँ पर, और वो खुलासा होगा हमारे इस प्रोग्राम से, ठीक है, इस वाले प्रोग्राम से। और मैं यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है ना मैंने उसको कमेंट आउट कर दूंगा इस चीज़ को समझाने के लिए। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर मान लो ये हमारा प्रोग्राम चल गया, बहुत अच्छी बात है, हमने एक नंबर लिया, उस नंबर तक वन से लेकर उस नंबर तक हमने ऐड किया और हमने देखा कि यार कहाँ तक जो है क्या सम आ रहा है उनका, ठीक है, 1+2+3+11 क्या सम आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.log i, ठीक है, तो क्या होगा, मैं इसको रन करता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ। एंटर द वैल्यू ऑफ n, मान लो मैंने 4 लिखा, आई इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है दोस्तों, देख रहे हो आप लोग, आई इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पर वेर इस्तेमाल करूँगा, तो अगर मैंने यहाँ पर वेर आई इज इक्वल टू 0 लिख लिया तो आई का स्कोप तो ग्लोबल हो गया, तो मैं अगर यहाँ पर अभी 4 लिखूँगा तो आई की वैल्यू मुझे यहाँ पर एक्चुअल में प्रिंट होकर मिलेगी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लेट जो होता है हमारा उसका जो स्कोप होता है वो ब्लॉक लेवल स्कोप होता है, तो लेट सिर्फ इस लूप के लिए ज़िंदा था, लेकिन वेर अगर मैंने यूज़ किया तो वो पूरे प्रोग्राम के लिए ज़िंदा होगा और यहाँ पर मुझे प्रिंट करके दिखाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा लेट इस्तेमाल करो, वायर इस्तेमाल मत करो। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, आपको घुमा दे कोई और बोले कि यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी, तो बहुत सारे लोग घूम जाते हैं और लेट इस्तेमाल होता है तब भी कहते हैं कि यार आई की वैल्यू तो एट दी एंड यहाँ पर 4 हो गई तो यहाँ पर 4 प्रिंट होगा, बट एक्चुअल में ऐसा ट्रू नहीं है क्योंकि जो लेट होता है उसका स्कोप ब्लॉक लेवल होता है और यहाँ पर इस फॉर लूप के बाद उस वेरिएबल का स्कोप खत्म हो जाएगा, जिसका मतलब है कि वो वेरिएबल की वैल्यू का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर कोई दूसरा वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर हो रखा है आई नाम से, वो ज़रूर प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये वाला आई आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, उसकी वैल्यू जो है यहाँ पर आप लोग को रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अगर आई डिफाइन नहीं किया तो एरर मिलेगा, ठीक है। आई होप कि यार फॉर लूप समझ गए, फॉर इन समझ गए, फॉर ऑफ समझ गए। फॉर ऑफ पर वापस आएंगे जब हम लोग एरेज देखेंगे, और फॉर इन पे भी वापस आएंगे जब एरेज देखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एरेज के लिए भी काम करते हैं ये, और बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, और आप लोग को दिखाई जाएगी ये चीज़। आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा है यार, ठीक है। और नोट्स जो है वो मैंने थोड़े अपडेट किए, मैं जस्ट आप लोग को बताना चाहता हूँ जो चैप्टर 2 के नोट्स थे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि यार ठीक से फोटो नहीं खींची है, तो फोटो बढ़िया करके खींच दी यार इस बार मैंने, ठीक है। और आई होप कि अब यार ये ना थोड़ा फोल्ड हो गया है यहाँ पर, पता नहीं कैसे यार मेरे हाथ से गलती से कॉपी छूट गई और उसकी वजह से ये पेज फोल्ड हो गया, ठीक है। मैंने ठीक करने की कोशिश करी इस पेज को, बट हुआ नहीं पता नहीं क्यों, बट क्या क्या फ़र्क पड़ता है यार, कंटेंट देखो ना, पेज क्या देख रहे हो, ठीक है। तो मैंने दोबारा से फोटो खींच के इसकी डाल दी, आप लोग जो लिंक है उनको एक्सेस कर सकते हो, चाहे चैप्टर 2 हो चाहे चैप्टर 2 प्रैक्टिस सेट हो, दोनों को मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा है। अगर आपने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी, इसको एक्सेस ज़रूर कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।